नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं सर आर एस सहगल, विजय गार्डन पब्लिक स्कूल, सौरभ विहार, जैतपुर, मधेपुर। शिक्षा के स्तर के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो शिक्षा में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको उनका मॉरल ऊँचा करने के लिए कि पढ़ाई में क्या क्या रेगुलरिटी चाहिए हमारे को, क्या क्या हमारे को इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी ज़रूरत हमारे को है। क्योंकि हमारे समाज में एक प्रथा छाई हुई है कि 70-80% तो लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी। ये चीज़ क्या उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि नौकरी ही पढ़ाई का मकसद नहीं होता है। पढ़ाई तो हमें हर स्टेज पर जगह में हर चीज़ में काम आती है। शिक्षक समाज अभिभावक वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। जब तक ये तीनों मिलकर के कोई काम नहीं करेंगे, तीनों मिलकर के इकट्ठा कोई प्लान नहीं बनाएंगे, ये तीनों इकट्ठा इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। सर इसमें ज़रूरी है समाज का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज के अंदर हम जब रहते हैं तो उसका हमारे को बहुत गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्योंकि ये इतनी ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह से हमारी शिक्षा ज़रूरी है, इसी तरह से जीवन पाठक भी बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चे समझदार हो जाते हैं, यानी कि 8वीं से ऊपर जो हो जाते हैं बच्चे, उनको हमें ये शिक्षा बहुत ज़रूरी देनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो आजकल टीवी देखते हैं समझते हैं, वो लोग जब ना समझ के कारण ही उनको प्रॉब्लम होती है। यदि उनको भी कोई बच्चा मैच्योर हो जाता है जो एक बच्चा हट करके ज़्यादा समझ, उनको भी समझाना चाहिए हमारे को। सर जहाँ तक निजी स्कूलों की बात है, निजी स्कूल जो मनमाना फीस लेते हैं ऐसा नहीं है। ये तो वो लोग हैं कि जो कुछ परिवार हमारे समाज में ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अलग से रखना चाहते हैं, वो अपनी पढ़ाई या अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते, बल्कि दूसरों पे आरोप प्रतिरोप लगाना बच्चे को। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाई के बारे में कुछ बोलते हैं या डांटते हैं या करते हैं तो वो लोग पेरेंट्स जो हमारे ऊपर आते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये पढ़े या नहीं पढ़े आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस प्रकार के समाज में जो ये बातें हैं इनको दूर करने के उपाय हम सोचेंगे, और जब हमारा समाज ठीक होगा तभी ये चीज़ें दूर हो सकती। विद्यार्थी जीवन के अंदर हम ये मानते हैं कि हमें दो चीज़ें हैं, हमारी जो ज़िंदगी है, एक तो इस ज़िंदगी को हम चलाने के लिए हमारे को अच्छी पढ़ाई, अच्छा समाज, अच्छा व्यवहार, ये सब चाहिए। दूसरा है कि हमें आध्यात्मिकता में भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ साथ यदि हमें आध्यात्मिकता का कोई सब्जेक्ट मिलता है, यानी कि परमात्मा ने जो हमें जन्म दिया है वो उसकी भक्ति के लिए भी जन्म दिया है, ये भी उसके दिमाग में आना चाहिए, तो ये दिन दोगुनी और रात दोगुनी क्या काम करेगा। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।